अस्सलाम वालेकुम। मैटलैब सिंबॉलिक टूलबार्स लेक्चर सीरीज में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स और इसमें हम देखेंगे ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे मैटलैब में एग्जीक्यूट किए जाते हैं और प्लस एक डेरिवेटिव या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स कैसे हम मैटलैब की कमांड के जरिए हासिल कर सकते हैं। चलते हैं मैटलैब की तरफ। तो सबसे पहले हमें सिंबॉलिक वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा जिसकी कमांड है SYMS। लेट्स से हमको वेरिएबल्स x, y एंड z, क्योंकि ये मोस्टली मैथ में यूज़ होते हैं फॉर फंक्शन, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे राइट साइड में वर्क स्पेस के अंदर ये तमाम वेरिएबल्स डिफाइन हो जाएंगे। अब हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स से f1 इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² - 1। तो देखें ये फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो जस्ट उसकी कमांड जो है इट इज़ DIFF, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है इसके लिए हम ब्रैकेट चूज करेंगे और फिर हम साथ इधर f1 जो हमारे पास सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आया हुआ है जिसे आप फंक्शन कह सकते हैं उसको लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 4x। मजीद आप अगर आपने इस शेप को ज़रा ये चूँकि लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसको अगर बुकिश जो स्टाइल है उसमें लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रिटी कमांड यूज़ कर सकते हैं। प्रिटी एंड आंसर एंड दिस विल बी लाइक 3x² प्लस 4x। एंड मजीद ये है कि आप बजाय कि हर दफ़ा आप सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को क्रिएट करें, किसी वेरिएबल के अंदर डिफाइन करें, उसके बजाय आप डायरेक्ट जो डिफ्रेंशिएशन की कमांड है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर DIFF और यहाँ पर लिख देता हूँ sin x, तो ऑटोमेटिकली इसका जो डेरिवेटिव है cos x वो आ जाएगा। अब मजीद चलते हैं कि जो डेरिवेटिव्स के रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, मैटलैब जो है इन तमाम रूल्स को फॉलो करता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। DIFF फॉर एग्जांपल x/x², इसको हम चलें प्रिटी कर लेते हैं। तो दिस इज़ -1/x। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर बना है मैटलैब ने उसका आंसर आपको दे दिया है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो दिस विल बी cos x² - sin x²। इसको अगर आप बेशक अगेन प्रिटी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई की कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंप्लीफाई आंसर एंड दिस इज cos 2x। सिंप्लीफाई की कमांड को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्सपोनेंशियल के लिए, लॉगरिथमिक रूल जो हैं जितने भी हैं के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कमांड के बारे में एक वीडियो डिटेल से बनाई गई है, अगर आपने मज़ीद इसके बारे में जानना है तो आप आई बटन में जो इसका लिंक गिवन है उसके जरिए इसको मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। जितने भी डेरिवेटिव्स हमने लिखे हैं ये तो सिंगल के लिहाज से हैं, अगर हमने डबल डेरिवेटिव लेना हो तो फिर क्या होगा। तो डबल डेरिवेटिव के लिए एक स्टाइल तो ये है लेट्स से x², चूँकि इसका डबल डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी 2। तो एक तरीका तो ये कि पहले आप डेरिवेटिव लें एंड अगेन आप डेरिवेटिव की कमांड जो है वो आंसर के ऊपर अप्लाई करता, या फिर यह है कि आप 2 दफ़ा डेरिवेटिव फंक्शन DIFF लिख लें। दिस विल बी x²। तो ऑटोमेटिकली पहले स्टेप पे वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो आंसर आएगा उसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव्स अप्लाई कर देगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मैंने 3 या 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेना हो, क्योंकि हर डेरिवेटिव तो जितने मर्जी हम ले लें हमारी सिचुएशन या हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, तो बार बार DIFF लिखना इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, या इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो मैटलैब का जो इसका स्ट्रक्चर है जब आपने हाई डेरिवेटिव्स लेने हो तो उसके लिए जस्ट आप क्या करें x² लिखें कामा और अगर जितने डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं वो लिखें, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली अगर आपने जैसे यहाँ पर अगर हम इसका 3 डेरिवेटिव्स लेते हैं तो हमें पता है इसका आंसर 0 आएगा। लेट्स अस चेक, देखें आंसर 0 आ गया। तो ये तो थी सिंपल डेरिवेटिव्स की कमांड। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप लॉगरिथमिक्स के ऊपर, एक्सपोनेंशियल, जो आपका दिल कर रहा है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपके लिए मैं एक्सपोनेंशियल्स का एक डेरिवेटिव लिख देता हूँ। इस तरह अगर आप डेरिवेटिव्स लॉग के ऊपर लगाना चाहते हैं तो लॉग x - sin x। आई थिंक एक ब्रैकेट जो है वो हमारे पैरेंथेसिस में, हाँ, तो देखें इसने आपको आंसर दे दिया। अब चलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ। पार्शियल डेरिवेटिव की कमांड भी कोई डिफरेंट नहीं है डेरिवेटिव से, जस्ट इसके अंदर क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आर्गूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोई हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से cos x प्लस sin y मल्टीप्लाई बाय x। अब इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y। अगर आप इसको x के लिहाज डेरिवेटिव्स लेना चाहते हैं तो जस्ट आप क्या करेंगे, कॉमा के बाद आगे नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है वो आप एक्सपुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो डेरिवेटिव है वो x के लिहाज से आ जाएगा। y जो वेरिएबल है वो एज ए कॉन्स्टेंट समझा जाएगा। अब इसी को अगर आप x की बजाय y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप जैसे आर्गूमेंट में जो नेक्स्ट आर्गूमेंट है उसके x की जगह पर y लिख देंगे तो मैटलैब इसको y के लिहाज से कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर अब एक और बात ये सामने आती है कि व्हाट इफ अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव को मल्टीपल टाइम ऑपरेट करना चाहें, ये तो सिर्फ हमने 1-1 दफ़ा किया। क्या होगा अगर मैं 2 दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहूँ y के लिहाज से, तो फिर जो जैसा हम सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में करते हैं कि वेरिएबल लिखा और वेरिएबल के आगे उसकी वैल्यू लिख दी न्यूमेरिक में, जैसे 2, तो ये क्या करेगा, यह y के लास्ट से दो दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई कर देगा। सही, ऊपर हमारे पास cos y था, उसने अगेन उसका डेरिवेटिव लिया, इट विल बी अ sin y। अब मजीद इसमें क्या हो सकता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में हम ऑर्डर का भी लिहाज रखते हैं, एक दफ़ा x के लिहाज से करें एंड देन y के लिहाज से, यानी कि अगर हम मिक्स पार्शियल देना चाहें तो तब क्या करें। तो मिक्स पार्शियल के लिए एज इट इज़ उस तरह तो कमांड नहीं है, लेकिन हमें जो एक स्टाइल है उसको इस तरह फॉलो करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले लेट से हमने y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया और फिर जो आंसर आया है an से उसके लिए आप यूज़ कर लें, उसको आप x के लिहाज से कर लें। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन cos x प्लस sin y x का जो पार्शियल डेरिवेटिव है y के लिहाज से और फिर x के लिहाज से हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह कर लें। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स अप्लाई करना पड़े या मिक्स, तो फिर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन आपके जहन में पैदा हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे इंटीग्रल्स के बारे में होगी कि कैसे हम मैटलैब के अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।